दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है आपका। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मेरे पास है अमेज़ॉन का एक आया हुआ बॉक्स, जो हमने अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस बॉक्स में जो है 5 2+8+2 मिनी पावर कार्डबोर्ड, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और डीजीओएड 240 का वोल्ट। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं आपको, और इस वीडियो में पूरा रिव्यू करके भी दिखाएंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता कि जो भी मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, एंड इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपको जो है टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड, हमने जो बॉक्स को है, बॉक्स इसी तरह का पैकेजिंग है, इसलिए मुझे पूरा जो है खोलना पड़ा। और देखिए, अंदर है बहुत सारा बोर्ड जो हमने लिया था अमेजोन से, और इसका प्राइस जो है 119 रुपये का प्राइस पड़ा था एक एक का। तो मैंने इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स जो है 5 ऑर्डर दिया था। तो देखिए, बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है, पर पूरा जो बोर्ड है वो हम देखेंगे कि किस तरह का काम करता है। और ये लेना चाहिए नहीं, सॉरी, मैंने 6 ऑर्डर दिया था और मुझे 6 ही मिल गया। तो देखिए प्राइस के हिसाब से जो है हमको जो है 119 रुपये का प्राइस जो है पड़ा था। और ये बोर्ड जो है, बोर्ड को हम रिव्यू करके दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, सब बोर्ड को करते हैं साइड। और देखिए, कुछ बोर्ड में थोड़ा थोड़ा जब दिक्कत जो है आ सकते हैं, और मैं साइड कर लेता हूँ एक को, और उसका टोटली रिव्यू आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, तार का क्वालिटी जो है उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 120 रुपये के अंदर जो है आपका इतना ज़्यादा जो है, कितना मीटर वो हम देख लेंगे। थोड़ा सा वायर का क्वालिटी जो है एकदम धुंधला पतला सा है। प्राइस के हिसाब से तो आपको इतना ज़्यादा बोर्ड और वायर मिल रहा है 120 रुपये के अंदर, तो उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होने वाला है। और इधर पे आपको जो है बहुत सारा फ्लग जो है मिल रहा है, 1 2 3, और इधर पे 3 जो है 8 वो मिल सकता है। और ये जो है आपको 5 मीटर का, 6 मीटर का एक वायर आपको मिल सकता है, और 2 इन फ्लैग आपको देखने को मिल जा रहा है। और इसका बोल्ट जो है 240, हमने पहले ही बता दिया। इधर पे आपको एलईडी जो लाइट जो है ब्लिंक करने दिखाई देगा, और ऑफ ऑन करने के लिए 2 स्विच दिया रहेगा इसमें। और एसी जो है 220 एंड 230 वोल्ट, और 60 Hg 6 एम्पियर का मेड इन इंडिया दिखाई दे रहा है। और इधर पे ऑफ ऑन करने के लिए 2 स्विच आपको मिलेंगे, यानी कि इधर का लाइन जो है आप इसे ऑफ करके इधर ऑन करके आप काम चला सकते हैं। तो दूसरा जो है इसके लिए जो है ए स्विच है, ये चारों पॉइंट के लिए एक स्विच, और ये चारों पॉइंट के लिए एक स्विच। और इधर पे आपको जो है, इधर पे फ्यूज़ का ऑप्शन मिल रहा है, और इधर पे आपको एक छोटा सा फ्यूज आपको देखने को मिल जा रहा है। तो फ्यूज का क्वालिटी देखिए, अंदर एक तार है, और इसको करते हैं, लगा देता हूँ मैं। क्वालिटी जो है, क्वालिटी के हिसाब से ये जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, और DJOE का कंपनी का है। और पीछे आपको जो है, ये जो है आप कोई भी दीवार पे भी टंगा सकते हैं, आपका पिन के थ्रू ऐसे करके टना सकते हैं। पर इधर पे जो गैप दिया है, गैप थोड़ा कम है, इसलिए जो है आप इसे यूजली जो है यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपको दिक्कत आएगा। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक उतना ज़्यादा जो है मजबूत नहीं आ रहा है, मुझे इसको जो है पकड़ के उतना ज़्यादा जो है इसमें फिनिशिंग अच्छा है, पर इतना ज़्यादा प्लास्टिक का जो है मटेरियल है तो उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और आप देख सकते हैं, एक बोर्ड लगाने के बाद इधर पे मेरे को दूसरा लगाने के टाइम मिल रहा है या नहीं देख लेता हूँ। तो दूसरा जो है इधर पे मैं लगा लूँगा। तो देखिए, मेरे को जो है 2 चार्जर एक साथ में मैं प्लग नहीं कर सकते, और इधर पे जो है, इधर का जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं लगा देता हूँ। और देखिए, बोर्ड का साइज़ जो है इधर पे, दूसरा इधर पे, आप जो है इसे इजीली नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि आप जो बड़ा फ्लग इधर पे लगाएंगे, 5 3 पिन का फ्लग लगाएंगे, तो इधर पे एक जो है आपको खोल कर छोड़ना पड़ेगा इसको जो है। तो आप चार्जर वगैरह बहुत सारा जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं इधर का एक, इधर का एक, यानी कि आपको पॉइंट जितना ज़्यादा दिया गया है उतना ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसका थोड़ा बारीकी से रिव्यू करके भी दिखाएंगे हम। तो चलिए, इसका अंदर क्या क्या चीज़ हो है मेटल हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, इसको जो है खोल के थोड़ा देखते हैं। खोलने के लिए जो है मेरा स्क्रू ड्राइवर का रूट बदलना पड़ेगा।
बोर्ड जो है खुल चुका है, और इधर पे देखिए पीछे आपको इधर पे डॉट डॉट करके मिलेगा कुछ, और सामने जो है आपका बोर्ड जो है टोटली दिखाई देगा। और बोर्ड का क्वालिटी उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, एकदम घटिया क्वालिटी का वायर जो है इधर पे यूज़ किया है। और इधर पे आपको जो है एक वायर से दूसरे वायर पे जाने के लिए आपको जो है इधर पे कनेक्शन थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो आपका जो है गलती से भी इधर उधर हो जाएगा, तो आपका बोर्ड जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। भी जो है भी आपका जो है वायर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और ये जो वायर है टोटली खुला हुआ है। और इधर पे आपको जो है पॉइंट जो दिया गया है इधर पे आपको इजीली जो है छोटा काम के लिए यूज़ कीजिए, कोई बड़ा मेशिंग या कुछ भी इसके साथ अटैच मत कीजिए, क्योंकि ये जो है शॉर्ट सर्किट होने के डर रहता है। और ये जो वायर भी है वायर एकदम पतला धुंधला सा है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह का बोर्ड कभी मत खरीदना, क्योंकि ये बोर्ड जो है एकदम धुंधला पतला है और दाम में भी आपको कम मिलेगा, यानी कि ये बोर्ड जो है आपको जो है दिक्कत में डाल सकते हैं। और आप जो है इसे प्राइस के हिसाब से, अभी जो प्राइस है इसका मैंने देखा तो ऑन 199 रुपये का प्राइस में ये आ रहा है, पर उतना ज़्यादा हेवी नहीं है, यानी कि आप इसे क्या इजीली यूज़ नहीं कर सकते, और ये बोर्ड जो है बड़ा भी नहीं है और छोटा है, तो आपको जो है दिक्कत आ सकता है, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है इसमें आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा जो है मशीन को इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, और इसका जो वायर है वायर का कंडीशन भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह का बोर्ड मत लीजिएगा। आप चाहे तो बोर्ड बना के भी ले सकते हैं, वो इससे भी हेवी और प्राइस थोड़ा बड़ा होगा, तो कोई बात नहीं। तो ये जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके लिए ये जो है बोर्ड हेवी वेट के लिए नहीं, तो आप छोटा छोटा काम जो है चला सकते हैं इससे, और प्राइस के हिसाब से भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप कैरी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं आपको छोटा काम के लिए। पर बड़ा काम जो है कंप्यूटर वगैरह, आप इसे कंप्यूटर वगैरह जो है इलेक्ट्रिक सामान है बड़ा सा जो सामान है उसका वोल्ट भी ज़्यादा होगा, तो आप इसे किसी के साथ अटैच मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो है शॉर्ट सर्किट होने वाले और आपका मशीन भी ख़राब होने हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना इस तरह का वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।